और इसी के साथ सभी 90 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया है। सिरसा से रोहताश जांगड़ा को टिकट दिया गया है, तो वहीं महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो वहीं फरीदाबाद NIT से सतीश वाघना को टिकट दिया गया है। तो 90 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी कर चुकी है और तमाम जो नाम है वो अब सामने आ चुके हैं। संजय शर्मा हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, 90 नामों का ऐलान हो चुका है बीजेपी की तरफ से, यानी कौन कौन सेनापति होंगे इसकी घोषणा हो चुकी है, अब बारी है जनता के बीच जाकर। कैसे ये जो तमाम लोग हैं ये जनता को यकीन दिलाते हैं कि इन्हें मौका दिया जाए? बिल्कुल, बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची के साथ में सभी 90 उम्मीदवारों की सूची घोषित कर दी है, 90 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और 14 तारीख से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अपनी रैली से शुरुआत करेंगे, यानी कि आप मान के चलिए कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र होगा, रण होगा और इस रण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं कुरुक्षेत्र से। और ये 90 के 90 नामों के साथ बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ जाएगी, पूरी तरह से चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर के बीजेपी के तमाम नेता, स्टार प्रचारक हरियाणा में नजर आएंगे। अब चुनाव प्रचार पर का जोर होगा क्योंकि उम्मीदवारों की सूची पूरी हो चुकी है, तीनों उम्मीदवारों को उतार दिया बीजेपी ने। अपने कई सारे सिटिंग मौजूदा के टिकट काट करके बीजेपी ने कोशिश की है, एंटी इनकम्बेंसी कम की है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का चेहरा बदला। सबसे पहले बीजेपी ने मनुलाल खट्टर को हटा करके सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया ताकि एंटी इनकम्बेंसी कुछ हद तक कम हो, उसके बाद में कई सारे मौजूदा विधायकों के टिकट काटे। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइज बीजेपी ने पहले से की है, बीजेपी कोशिश कर रही है कि लगातार। जी संजय, आपकी आवाज जो है वो रुक गई। जी बिल्कुल, तो तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने की कोशिशें कर रही है और सभी उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। अब बीजेपी का पूरा जोर सीधे सीधे कैंपेन पर होगा, यानी कि चुनाव प्रचार अभियान पर होगा। संजय, सवाल ये है, हमने देखा कि किस तरीके से खुले आम बगावत जो है इस बार आलाकमान से नजर आई कई नेताओं की, जिनके टिकट काटे गए। ऐसे में अब ये जो 90 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, इनके सामने एक चुनौती क्या सबसे बड़ी ये भी है कि जो नाखुश उम्मीदवार हैं जिनका टिकट काटा गया है, या तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं या किसी क्षेत्रीय दल से वो चुनाव लड़कर इन तमाम जो चयनित उम्मीदवार हैं बीजेपी के, इनका खेल बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल, कई सारे सिटी के बीजेपी ने टिकट काटे हैं, कई सारे वरिष्ठ नेताओं के टिकट काटे, तो उनके पास में दो चीजें हैं, या तो वो बागी, कई सारे नेता बागी उभर के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है, तो देखना होगा कि आखिर बीजेपी के कितने लोग बाहर से जाकर के चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि बीजेपी को इनसे नुकसान हो सकता है, क्योंकि सिटिंग मौजूदा के टिकट काटना बीजेपी के लिए आसान नहीं था, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए बीजेपी लगातार इस कोशिश में थी कि किसी भी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को कम करे, कम होने के कारण कम होगी तो उनको आसानी होगी चुनाव जीतने में, इसीलिए बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायकों के टिकट ज्यादा मात्रा में काटे। एक और बड़ा सवाल है, जिस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है और एक प्रयास करने की कोशिश की गई जो संभवतः गुजरात में हमें नजर आया था, जहां सरकार जो है उसके चेहरे को बदला गया और उसके बाद कई जो सिटिंग विधायक है उनके टिकट काटे गए, वहां बीजेपी सफल हुई, क्या उसी को दोहराने की कोशिश बीजेपी हरियाणा में करती दिख रही है? देखिए, गुजरात जैसा संगठन बीजेपी के पास हरियाणा में मौजूद नहीं है, लिहाजा बीजेपी फूक फूक करके कदम रख रही है। हरियाणा में सिर्फ उन्हीं के टिकट काटे जिनके टिकट काटना जरूरी था, जिनके अंदरूनी रिपोर्ट बीजेपी को के खिलाफ आई थी, इंटेलिजेंस सर्वे बीजेपी के खिलाफ आया था, उनके खिलाफ आया था, तो बीजेपी ने सिर्फ उन्हीं के टिकट काटे जो कि बहुत जरूरी था। अदरवाइज बीजेपी ने गुजरात में, बीजेपी का संगठन बहुत स्ट्रांग है, वहां पे बीजेपी ने सबसे पहले ये प्रयोग शुरू किया था, अपने सारे के सारे उम्मीदवार जी तरीके से बीजेपी ने जो उम्मीदवार काम बीजेपी हरियाणा में नहीं कर सकती, लेकिन कुछ उम्मीदवारों के टिकट काट करके बीजेपी ने कोशिश की है।